अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन कीमे के समोसे। बहुत मज़े के बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। टेक्निक भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके ऊपर डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर मैंने डाला था 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल गर्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा डाल दिया है। इसको आपने जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए। तो देखें इसका कलर वाइट हो गया, ये थोड़ा सा मोटा मोटा कीमा है। अगर आप इसको बारीक भी पिसवाना चाहते हैं तो आप बारीक भी पिसवा सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसको कीमे के साथ अच्छे से भूनना है ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आधा कप यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि कीमा अच्छे से पक ना जाए। तो देखें यहाँ पर जो पानी डाला था वो खुश्क हो गया है और कीमा जो है वो पक गया है। अच्छे से हमने इसको भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है 2 टी स्पून। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून। टेस्ट बहुत अच्छा आता है जीरे पाउडर से और कुटे हुए धनिया से। हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून, नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून। नमक आप हसबे जायका भी डाल सकते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स करना है चिकन कीमे के साथ और भूनना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया था। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको चॉप कर लिया है, वो डाल दी मैंने इसके अंदर। और प्याज को जब तक इसके साथ पकाना है जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए, यानी कि ये जो कलर है इसका वो वाइट ना हो जाए प्याज का। तो देखें यहाँ पर प्याज अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी जो है चेंज हो गया, वाइट हो गया है। बहुत हरी मिर्च ले ली थी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने वो डाल दी है चॉप कर। उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हरा धनिया आपने फ्लेम ऑफ करने के बाद डालना है, एक दफ़ा मिक्स करना है और फिलिंग को ठंडा कर लेना है। तो देखें यहाँ पर मैंने आटे की स्लरी बना ली है। आटा लिया था, पानी डाला था और एक थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी स्लरी बना ली है। चिकन का कीमा बिल्कुल से ठंडा हो गया था। यहाँ पर मैंने अब बाज़ार वाली समोसा शीट ले ली है और देखें आप इसको फोल्डिंग का तरीका देख लें, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। और इतने से कीमे के अंदर बहुत सारे समोसे बनकर रेडी होते हैं, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। साइड्स को हमने बहुत अच्छे से पैक करना होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने जो आटे की स्लरी बनाई थी जिसको हम लई भी बोलते हैं वो लगा दी है। और साइड्स को देखें, कॉर्नर्स को अच्छे से हमने पैक करना है ताकि इसके अंदर से ऑयल ना जाए। आप इसके अंदर डाल देंगे कीमा। कीमा यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मोटा मोटा था, अगर आप इसको बारीक भी करवाना चाहें तो आप बारीक भी करवा सकते हैं। तो देखें कीमा डाल दिया है, अब इसको अच्छे से जो है पैक करेंगे। अब इसी तरह से ऊपर भी स्लरी लगा लेंगे। कॉर्नर्स पर अच्छे से लगाइएगा ताकि ये फोल्ड जब हो तो वो अच्छे से चिपक जाए। तो देखें इस तरीके से हमने कॉर्नर्स को बाइंड कर दिया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसके अंदर। और इसी तरीके से हमने इस कॉर्नर को भी बाइंड कर दिया है। तो देखें यहाँ पर कीमे का समोसा बनकर बिल्कुल से रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। अब मैंने समोसे बना लिए हैं और कॉर्नर्स आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा क्लीन हैं और फाइन है। आप इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया था, बिल्कुल गर्म गर्म ऑयल में नहीं डालना है, इतना डालना है कि जो अंदर से जो समोसे की पट्टी है वो पक जाए। तो यहाँ पर सारे समोसे मैंने डाल दिए हैं और उसको जब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। और जैसे ही कलर आएगा उसके ऊपर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखें इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया था, मैंने साइड चेंज कर दी है और दूसरे साइड से भी कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे चिकन कीमे के समोसे बिल्कुल से रेडी हो गए हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थी, फिलिंग फ्लेवरफुल थी। तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। चटनी की रेसिपी मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आप देखें मैं तोड़कर दिखा देती हूँ। तो देखें फिलिंग कितनी फ्लेवरफुल लग रही है, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अभी लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक लिए अल्लाह हाफिज़।